हाय गाइस, मेरा नंबर नॉन है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक MI का फ़ोन है, MI Redmi Note 3, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मोबाइल में जो है MI अकाउंट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का जो MI अकाउंट आज हम रिमूव करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से, तो EDL मोड के जरिए से। और आप सबको पता ही है कि EDL मोड जो है MI Note 3 में नहीं आता है, ठीक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम इसका EDL मोड लाएंगे और EDL मोड के जरिए से कैसे हम इसका जो MI अकाउंट रिमूव करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपने MI अकाउंट का रिमूव वाला वीडियो देखे होंगे YouTube पे, तो उसमें से आपको EDL मोड के बारे में किसने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो जो बिल्कुल लेटेस्ट है और ये वीडियो YouTube पर बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि EDL मोड के जरिए से हम इसका जो MI अकाउंट रिमूव करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर मैं जो है एक तरफ दिखा रहा हूं मोबाइल और एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं डिवाइस मैनेजर और बीच में मैं आपको दिखा रहा हूं मेडिकल टूल, ठीक है। और ये तीनों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में फास्ट बूट मोड लाना होगा और फास्ट बूट मोड लाने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस और पावर की को एक साथ प्रेस करना है और फास्ट बूट मोड जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद सिंपली आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डाटा केबल लगा देना है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। और जब आप फास्ट बूट मोड में जब कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को तो आपकी डिवाइस मैनेजर में ADB इंटरफेस शो करनी चाहिए और उसका ड्राइवर इंस्टॉल रहनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। अगर आपका उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आप उस ड्राइवर को ADB ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मेडिकल टूल में क्वेलकम टूल सेलेक्ट कर लेना है। जब क्वेलकम टूल आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप शुरू में देख रहे हैं अनलॉक का ऑप्शन है, अनलॉक पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप अनलॉक पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड इन्फो का ऑप्शन है, रीड इन्फो पे चेक लगाना है और फास्ट बूट्स आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल यहाँ का इस मोबाइल का जो इंटरफेस है और यहाँ पे शो करेगा ये मोबाइल आपका बूट है कंप्लीट, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपका मोबाइल बूट हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं ये मोबाइल बूट है। और उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल को लेकर के जाएंगे EDL मोड में। तो EDL मोड में कैसे लेकर के जाना है, तो दोस्तों मैं बता दूं EDL मोड में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारा ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें फास्ट बूट सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और हम यहाँ पे फास्ट बूट जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे बीच में देख रहे हैं कि रिबूट EDL मोड फ्रॉम फास्ट बूट, इस पे हमें चेक लगा देना है। उसके बाद हमें सिंपली स्टार बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा और हमारे डिवाइस मैनेजर में ऑटोमेटिकली जो है क्वेलकॉम का लोडर यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेलकॉम का USB QD लोडर 9008, ठीक है, ये शो कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पोर्ट पर जाएंगे, यहाँ पे मेडिकल टूल का जो क्वेलकॉम टूल है इसमें यहाँ पे पोर्ट पर क्लिक करेंगे। पोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्वेलकॉम लोडर हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जब इस लोडर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि FRP अनलॉक करने का यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बता दूँ जो पहले वाला जो LY का मोबाइल होता था उसको उसमें जो क्वेलकॉम CPU होता था उसे हम यहाँ से जो है उसका MI अकाउंट उसका जो FRP लॉक हम यहाँ से अनलॉक करते थे, लेकिन यहाँ से जो है हम MI मोबाइल को अगर अनलॉक करेंगे तो नहीं होगा। तो MI मोबाइल को MI अकाउंट को अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे MI अकाउंट अनलॉक सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी मॉडल है वो मॉडल हमें सेलेक्ट करना होगा। हमारा Redmi Note 3 है तो Redmi Note 3 को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जब हम सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे कुछ देर का प्रोसेस चलेगा, कुछ देर के प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पे हमारे मोबाइल का जो MI अकाउंट है वो परमानेंटली जो है डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूं कि Redmi Note 3, तो इस मॉडल पे मैंने ये प्रैक्टिस किया है और इसमें मैंने जो है इस मोबाइल में मैंने जो है इसका MI अकाउंट अनलॉक किया है। और किसी और मॉडल के बारे में आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर मॉडल का जो तरीका इसमें अलग अलग दिया गया है और हर मॉडल का जो है बूट कराने का तरीका अलग अलग दिया गया है। और अगर आपके पास Redmi Note 3 है तो आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप उसका MI अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि और भी दो वीडियो आपको Redmi Note 3 का मिलेगा, एक रीड फ्लैश फाइल, एक राइट फ्लैश फाइल, ठीक है। और वो दोनों वीडियो भी आपको जो है आज ही के डेट में जो है यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि MI अकाउंट कैसे रिमूव किया जाता है। चलिए दिखा देते हैं हम आपको कि हमारा मोबाइल का जो MI अकाउंट है वो परमानेंटली रिमूव हुआ या नहीं। चलिए हम मोबाइल को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप देख लें।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।